हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। सो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन शुरू करते हैं, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मनीषा वर्मा, और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था। तो आप में से जो लोग जवाब नहीं देते हैं तो एटलीस्ट जाके आप प्लीज़ उनका जवाब पढ़िएगा। एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारे जो रिकग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है, स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होता है, शी आंसर्ड एंड इवन अ मेन्स क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, शी आंसर्ड दैट एंड वेरी नाइसली। सो यू कैन गो एंड रीड दैट, ओके, एंड कीप इट अप मनीषा। एंड आई वुड सजेस्ट ऑल अदर्स कि आप भी आंसर्स इस तरीके से देते रहिए। तो आप भी, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही दे रही हूँ। उबर का एक्चुअली में इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसमें उसकी कुछ फाइल्स इन्वेस्टिगेट की गई हैं। सो द आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दे हैव मैंशनड हेयर टूल्स लाइक ग्रे बॉल एंड जियो फेंसिंग, जो कि यूज़ किए गए थे टू कीप उबर राइड्स अवे फ्रॉम प्रैंक पुलिसमैन एंड गवर्नमेंट ऑफिशल्स। ठीक है, तो ये उबर ने टूल्स यूज़ किए थे पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशल्स से बचने के लिए। तो आपको, मेरे को सबसे पहले बताना है कि ये टूल्स क्या हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हो, ओके। एंड अनदर थिंग आई वांट टू से कि देखो, हम इसमें वो आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हिंदू में नहीं हुआ है, या फिर जो एडिटोरियल्स ऑलरेडी पहले मतलब डिस्कस्ड नहीं है, ओके। तो वी ट्राई टू अवॉइड द रिपीटेटिव टॉपिक्स। हाँ, अगर कुछ नए एंगल्स, कुछ नया उसमें रहता है तो डेफिनेटली वी टेक अप देम। तो इसीलिए आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना होगा कि ऐसा नहीं है, मतलब वी आर ट्राइंग टू इंश्योर योर मैक्सिमम कवरेज, है ना। तो इसीलिए मतलब हिंदू के से हटके इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो अगर आप लोग हिंदू नहीं देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो भी देखें साथ में, ओके, तो आपका कंप्लीट कवरेज रहेगा। एंड अनदर थिंग वही कि आप ट्रस्ट बनाए रखें, एंड ऑल्सो अगर आपको जैसे स्टैटिक में भी अब कॉन्फिडेंस यदि नहीं आ रहा है, तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी अभी स्टार्ट हुई हैं। सो आप अगर देखना चाहें तो आपको पेज पे हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, examsmedsimple.com पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट, एंड वी आर गेटिंग वेरी नाइस फीडबैक। तो जो भी मतलब फीडबैक भी मिलेगा, वी विल ट्राई टू शेयर इट सून विथ यू। तो इफ़ यू पीपल वांट, यू कैन ऑल्सो जॉइन, और आपको अच्छी लगेगी, ओके। अब आगे इस पे आते हैं हिस्ट्री स्ट्रेल में। तो एक्चुअली बीडी चट्टोपाध्याय जो प्रोफेसर थे जेएनयू में, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में, सो ही पास्ड अवे। तो आपको इसमें बस उनके कुछ अचीवमेंट्स और बुक्स याद रखनी है, सो आई विल बी टेलिंग यू जस्ट दैट पार्ट। बीडी चट्टोपाध्याय, प्लीज़ रिमेंबर, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ इन जेएनयू फॉर 3 decades, एंड उनको जनरल प्रेसिडेंट ऑफ 75th प्लैटिनम जुबली सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भी इलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो कुछ ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का प्रेसिडेंट 2014 में, और उनको HC राय चौधरी बर्थ सेंटिनरी गोल्ड मेडल दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इन 2002, ओके। अगर उनके कुछ वर्क्स देखें तो द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, तो उनकी बेसिकली यहाँ पे है ना वैसे थिंकिंग डिस्कस की गई है, बट इट इज़ नॉट ऑफ अ मच रेलेवेंस, और मतलब काफ़ी इनका वैसे प्रोग्रेसिव व्यू था, एंड उसके ऊपर ये पूरा। तो आप इनके वर्क्स बस चाहें तो लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज एसेज, द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया, देन स्टडिंग अर्ली इंडिया आर्कियोलॉजी टेक्स्ट एंड हिस्टोरिकल इशूज, एंड रिप्रेजेंटिंग द अदर संस्कृत सोर्सेज एंड द मुस्लिम्स, ओके। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं आइडियाज़ पेज में, नो विनर्स इन दिस वॉर। तो ये एक्चुअली में रशियन यूक्रेन वॉर की बात हो रही है कि कैसे इस वॉर में कोई विनर्स नहीं है। हम इसमें थोड़ा देखेंगे कि मतलब जैसे डिटेल रशिया यूक्रेन के ऊपर आता है कि कैसे स्ट्रेटजी ली गई, क्या मतलब थोड़ा उसका पीछे पॉलिटिकल अल्टीरियर मोटिव क्या रहा है, और किस तरीके से मतलब कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर देखेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो यू कैन टेक डाउन द पॉइंट्स ऑल्सो, ओके। सो
जो वेस्टर्न मीडिया है वो कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से यूक्रेन को सॉलिडेरिटी देने की और रशियन फोर्सेस को रोकने की, और इसमें नेटो, ईयू और G7 जो है उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया है, जैसे आर्म्स सप्लाई करना, इंटेलिजेंस सप्लाई करना, कैश और लॉजिस्टिक सप्लाई करना, और यूक्रेनियन ट्रूप्स की ट्रेनिंग भी है ना, और साथ में फिर सैंक्शंस भी लगाए हैं ताकि रशिया के ऊपर, ताकि उसकी इकोनॉमी को भी क्रिपल कर सकें। तो एक बात इसमें याद रखना कि वेस्टर्न ट्रूप्स ने अभी तक ज़्यादा डायरेक्टली है ना इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, और वो ट्रेनिंग वगैरह देकर या फिर मतलब कैश वगैरह के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू उनको सपोर्ट करें। तो इसमें जो हिडन एजेंडा है वो है रशिया को वीकन करना। ओके, ये ऑथर के आइडियाज़ हैं, बट दे आर वेरी नाइस आइडियाज़, सो यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो रशिया को वीकन करना जो था वो हिडन एजेंडा था। तो इन्होंने इसमें दो साइड्स बताए हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया है यूक्रेन को। वन वॉज प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑफ US एंड द PM बोरिस जॉनसन ऑफ UK। दे वर बोथ साइड्स ऑफ द अटलांटिक। तो देखो ये बहुत अच्छा फ्रेज है, जहाँ पे भी US UK आए तो आप इसको ले सकते हैं। और दे ट्राई टू कन्फ्रंट दी कॉमन एनिमी, ओके रशिया। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, पहले इससे पहले भी जैसे वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया में भी, लिबिया सीरिया में इन्वॉल्व हुए हैं इन लोग। लेकिन ये वॉर अलग है, क्योंकि अब ये देखो आप कंट्रीज़ देखो सारी एशियन अलग बग ना, और ये जो वॉर हो रहा है ये यूरोपियन सॉइल पर ही हो रहा है, एंड अ वॉर ऑफ एट्रीशन, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खिंचाव आ रहा है, जिसमें जो वेस्टर्न फायर पावर है वो रशिया के अगेंस्ट है, राइट। तो इसलिए अब ये देखो इस वॉर का मतलब, आप जैसे भी आपको डिस्क्रिप्शन आएगा ना, तो इस तरीके के आपको स्टेटमेंट्स यूज़ करने हैं कि कैसे ये मतलब अलग है, यूरोपियन सॉइल पर है, और मतलब कैसे US और UK एक तरफ हैं, है ना। अब इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जैसे दिया है कि अंडरस्टैंडिंग जो कोल्ड वॉर के एंड पे हुई थी, यानी 89 और 90 के एंड में, वो ये हुई थी कि नेटो जो है वो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं करेगा। लेकिन क्या है कि अभी कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि है ना नाटो कंटिन्यूसली थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा है, और साथ में रशिया में काफ़ी मतलब वही व्लादिमीर पुतिन के लिए कह रहे हैं कि काफ़ी रेजोल्यूट लीडरशिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, और जिन्होंने इस चीज़ को मतलब काफ़ी टारगेट किया है कि उनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो घट रहा है। तो इस वजह से उधर से उनका एक्सपैंड होना और यहाँ से फिर से लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग होना, जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और पुतिन ने ये जो अपने फियर्स हैं इसको 2007 में एक उन्होंने स्पीच दी थी, उसमें भी कहा था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये स्पीच दी थी। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वॉर है ये मतलब एक्चुअली में होना ही था, है ना। इट वॉज अ ट्रेजेडी ऑन होल्ड दैट हैड टू ब्रेक आउट। यू कैन राइट दी स्टेटमेंट्स, दीज आर वेरी नाइस स्टेटमेंट्स। द वॉर इन यूक्रेन वॉज अ ट्रेजेडी ऑन होल्ड दैट हैड टू ब्रेक आउट सूनर और लेटर। ये होना ही था, ओके लेकिन आप ऑथर कह रहे हैं कि ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छा इसने रूप नहीं लिया है। तो रशियन ब्लिट्सक्रीग, यानी जिस तरीके से रशिया इन्वेट कर रहे एकदम फोर्सफुली और एकदम उन्होंने जिस तरीके से सडन पूरा इन्वेजन किया है, लेकिन अब वो क्या है कि मतलब इतने सारे बड़े बड़े टैंक्स लेके वो धीरे धीरे कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अर्ली अटेम्प्ट जो थे कीव को काबू करने के और यूक्रेनियन रेजिम को टॉपल करने के, वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, यूक्रेनियंस के जो प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो रेजिस्टेंस के मेन सिंबल इमर्ज हुए, मेन सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। एंड अब बस वो जिस चीज़ को अग्रेशन कह रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया, बस ये है कि वो अपनी मेन सिटीज़ को होल्ड कर पाए हैं, ओके। और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनका जो सपोर्ट रहा है वो भी बस रशियन एडवांस को स्लो कर पाए हैं, बस उनको कन्फाइन रख पाए हैं कि, लेकिन ईस्ट और साउथ तक तो वो फिर भी पहुंच गए हैं, तो इनका जो भी कैश, इंटेलिजेंस, जितना भी इन्होंने सपोर्ट दिया बस थोड़ा स्लो कर पाए, ओके। तो बहुत ज़्यादा किसी ने कुछ हासिल नहीं किया है, और जो ये चीज़ वॉर लग रहा था कि इसमें कुछ क्विक रेजोल्यूशन होगा, उल्टा इट हैज़ टर्नड आउट टू बी अ वॉर ऑफ अट्रिशन। काफ़ी खिंचाव वगैरह आ रहा है ना। तो मीडिया भी इसमें खासकर अब ऐसा रोल प्ले कर रहा है कि, है ना, अब एकदम हॉरर्स टाइप के दिखा रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पिक्चर्स को रिवाइव कर रहे थे
कि मतलब किस तरीके से नाजी अट्रॉसिटीज़ हुई थी रशिया फ्रांस में, है ना। तो लेकिन मतलब अभी तक जो सिचुएशन रही है वो बहुत अट्रिशन वाली रही है। नेक्स्ट इन्होंने फिर से एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया है, ये डायरेक्टली फिर से वही है कि यूपीएससी बोल सकता है कि डिस्कस द वॉर इन यूक्रेन हैज़ रंग द डेथ नेल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का भी मतलब बहुत बुरी तरीके से उसके चलते ही है ना काफ़ी बुरा हाल हुआ है। तो जैसे चांसलर ओलाफ स्कॉल्स हैं जर्मनी के, वो पहले बहुत रिलक्टेंट थे और मतलब वो एक तरीके से है ना वॉर के अगेंस्ट थे, लेकिन अब वो भी अपनी जर्मन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। जैसे मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी है और 100 बिलियन यूरोज उन्होंने लगा दिए आर्म्ड फोर्सेस को अपग्रेड करने में, और उसके बाद में फिर वो जर्मन वेपन्स भी भेज रहे हैं यूक्रेन में। ओके, और उन्होंने बहुत अच्छा एक फेज दिया है, अगेन प्लीज़ राइट इट डाउन, जीतन वेंद, दैट इज़ वाटरशेड। उन्होंने कहा ये जो पूरा करंट फेज चल रहा है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये एक वाटरशेड है। वाटरशेड क्या होता है, मतलब एक ऐसा लाइन या ऐसा एक एरिया जिसके बाद में एकदम से चेंज आता है। सो दिस इज़ अ चेंज ऑफ एन एरा। ओके, जीतन वेंदे, प्रोनंसिएशन अब जर्मन क्या है मेरी मतलब अच्छी क्या नहीं है, आती नहीं है, ठीक है। तो जो भी है ये बस आप इसका फेज याद रखना, जीतन वेंद, ये फ्रेज याद रखना, इट इज़ अ वाटर शेड, इट मीन्स वाटर शेड। सो ही हैज सेड दैट दिस इज द करंट फेज इज द वाटर शेड मोमेंट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ओके, और इसमें अब कैसे है, तो वही है कि ग्लोबलाइजेशन का भी जो अभी बात कर रहे थे, तो अब देखो उन्होंने ट्रेड को ही एक वेपन की तरह बना दिया है, है ना। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में आपने पहले ट्रेड तो मतलब अच्छे से किया, अब उसी को आप वेपन की तरह यूज़ कर रहे हो, दोनों वेस्ट और रशिया। तो आप जिसको सैंक्शंस कह रहे हो दैट इज़ बेसिकली वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। ओके, और इसमें वही है कि ज़िंदगी तो जा ही रही है, तो एक तरीके से मतलब वेपन ही हुआ ना। उसके अलावा फिर अगर कॉमन मैन के ऊपर भी देखो तो, या फिर कंट्रीज़ की इकोनॉमी के ऊपर देखो तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, है ना। खासकर लो इनकम वाले हाउस होल्ड जो है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, गैस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। और यूरोप में हमने ये चीज़ देखी भी थी जब नॉर्ड स्ट्रीम 1 देखा था, कि विंटर में एनर्जी की पूर्ति कहाँ से होती थी, रशिया जो गैस सेंड करता था नॉर्ड स्ट्रीम से उससे होती थी, है ना। तो इसकी वजह से उनके अंदर भी डर बैठ गया है कि इट वुड बी अ विंटर ऑफ डिसकंटेंट। क्यों विंटर ऑफ डिसकंटेंट, क्योंकि विंटर में उनकी एनर्जी की पूर्ति रशिया की गैस से होती थी। ओके, और इसका फिर लेस विजिबल इफेक्ट जो है, अब इसने देखो ऑथर ने कितना अच्छा बताया है कि वो एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि ऑयल और गैस की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कोल को, है ना। जर्मनी ने जैसे अपने जो कोल प्लांट्स को बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर से उनको चालू कर दिया है ताकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है वो प्रोड्यूस कर सकें। ओके, सो दिस इज़ अ डेंजरस ट्रेड ऑफ। और फिर से जो हम ग्लोबल वार्मिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे इतने NDCs वगैरह से, तो फिर से हम वापस उसी रेन में चले जाएंगे। तो अब इन्होंने कहा है कि फ़ायदा किसको हुआ है, तो देखो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं US के और उसके सब्सिडियरीज, जो कि मतलब वेस्ट से काफ़ी उनको पैसा वगैरह मिल रहा है वहाँ की गवर्नमेंट से, तो उनको बस फ़ायदा है, बाकी तो मतलब और कहीं से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। और US की इकनॉमी भी हमने देखा कि उन्होंने फेड ने कैसे रेट वगैरह बढ़ा दिए, तो उनकी इकनॉमी को भी कुछ असर नहीं पड़ा है अभी तक। ओके, और एक चीज़ ऑलरेडी मतलब देखने को मिल गई है कि जो पब्लिक सपोर्ट है कॉन्टिनेंटल यूरोप में, वो भी मतलब बिल्कुल अगेंस्ट है ना। दे आर अगेंस्ट द वॉर, दे अगेंस्ट द कंटिन्यूशन ऑफ वॉर। और एक डाइवर्जेंस भी है अमंग जर्मनी, फ्रांस एंड UK। ओके, और जो US के लिए है, अब ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि पहले मतलब पहले भी ये रशिया के अगेंस्ट थे कोल्ड वॉर के टाइम पर उस टाइम पे इनको नाटो का सपोर्ट नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज़ का सपोर्ट नहीं था, तो अब इनको वो मिल रहा है तो उनके लिए तो और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन नाटो को ये पता है कि रशिया के पास में न्यूक्लियर है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और रशिया इतना ज़्यादा अपना खर्च करके इतने लोगों की लाइव्स उनकी भी चली गई, ऑब्वियस सी बात है उनका भी काफ़ी लॉस हुआ, उसके बाद उन्होंने कुछ टेरिटरी क्लेम करी है,
तो ऑब्वियस ही बात है वो हटेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको भी अपना पावर दिखाना है ना। तो ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा है जहाँ पे मतलब यूएस का आर्म सप्लाई इंटेलिजेंस वगैरह है, और रशिया जो है दूसरी तरफ उसकी खुद की मतलब मेमोरीज हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह की। तो इसलिए ये जो है ये टग ऑफ वॉर ये काफ़ी इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है चलता रह सकता है। तो अब एक वे फॉरवर्ड अच्छा दिया है, मतलब खासकर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलें तो इन्होंने कहा है कि नेगोशिएशंस रिज्यूम करने का अब टाइम आ गया है, वरना ये तो वॉर जो है वो चलता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और मतलब कंटिन्यूसली हम लोग जो है डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्रमोट करते हैं, तो अभी मीडिएशन हम कर सकते हैं। ओके, और अभी इंडिया ने भी ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से करी थी कि इंडियंस को जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको किस तरीके से रिपैट्रिएट कर दिया था जैसे ही वॉर शुरू हुआ था, और कैसे मतलब हमने रशिया से भी संबंध बनाए हुए हैं और यूएस से भी बनाए हुए हैं। तो फिर वही है कि ऐसे में मतलब इंडिया जो है वो उसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है कि वो नेगोशिएशन करवा सकता है। ओके, सो ये था ये आर्टिकल, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, आगे आते हैं अब। ओके, आई थिंक आई मिस दी एक्सप्लेन सेक्शन। हाँ, आज ऐसा था कि आज एक्सप्लेन सेक्शन पहले आ गया था, सो वी डायरेक्टली जंप टू द एडिटोरियल पेज। एक्सप्लेन सेक्शन पे आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड लॉसेस लूजेस सम लस्टर, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, गोल्ड के ऊपर आया है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट ने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया, 7.5 से 12.5% कर दिया है, ताकि इस मेटल को ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं किया जाए। और ऑब्वियस ही बात है, जब गोल्ड को आप ज़्यादा इम्पोर्ट करोगे आपका इम्पोर्ट बिल ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है जब आपका इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू दी एक्सपोर्ट्स। ओके, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या होता है, ये जब हाई इन्फ्लेशन होता है ना तो उस टाइम पे वो गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं, और ख़ासकर वॉर के टाइम पे। और अभी क्या है कि गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि वही है ना कि डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है और इंटरेस्ट रेट जो है यूएस में वो बढ़ गए हैं, है ना। तो अब गोल्ड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने बार बार वैसे ना ये एक ही चीज़ बोलेंगे कि भले नेगेटिव्स अभी थोड़ा सा जैसे गोल्ड वगैरह का प्राइस जैसे नेगेटिव भी आपको ले जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू विद द लॉन्ग टर्म गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स इन अ स्टैगर्ड मैनर, यानी पूरा एक बार में मत ले लो, थोड़ा थोड़ा करके आप लेते रहो। ओके, तो जैसे जैसे अनसर्टिनिटी बढ़ी है तो गोल्ड इम्पोर्ट्स भी बढ़े हैं, वही मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स जो हैं वॉर टाइम में ज़्यादा गोल्ड खरीदते हैं, है ना, और करेंसी में वोलेटिलिटी बढ़ी है, और उसके बाद में इक्विटी मार्केट्स में एकदम डाउन ही डाउन गया है, सेंसेक्स बहुत बुरी तरीके से गिरा है ना, तो इसकी वजह से गोल्ड इम्पोर्ट्स बढ़ गए हैं। तो लेकिन गोल्ड की खासियत क्या है कि उसकी वैल्यू जो होती है वो लॉन्ग रन में भी रहती है, और मतलब इन्फ्लेशन भले महंगाई भी हो जाए लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा रिटर्न देता ही है। तो इस वजह से यही रीज़न है कि हाई इन्फ्लेशन के टाइम पे भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड खरीदते हैं। ओके, तो कमोडिटीज़ में जैसे साइक्लिकल रिस्क होती है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन गोल्ड जो है वो लॉन्ग रन में आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा, क्योंकि ये एक प्रेशियस मेटल है, और इसका मतलब क्यों देगा वो चीज़ भी समझो, क्योंकि इसका सप्लाई जो है लिमिटेड है और बहुत प्रेशियस मेटल है ना, एंड गोल्ड इज़ गोल्ड, तो मतलब आपने लिया है तो आपको वो चीज़ पता होगी। ओके, तो अब क्या हुआ है कि जो पॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ गए हैं वही यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इसकी वजह से क्रूड के सप्लाई और बाकी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के सप्लाई पे भी असर पड़ा है, और इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर क्या है कि हाई मतलब जो गोल्ड है वो ज़्यादा लिक्विड होता है, और इक्विटीज़ का भी हमने बता दिया कि कैसे काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है ना। तो जैसे इन्फ्लेशन होता है तो इक्विटी मार्केट नीचे जाता है ना, वो उसका नेगेटिव कोरिलेशन है इन्फ्लेशन के साथ में इक्विटी मार्केट का, लेकिन गोल्ड का पॉजिटिव कोरिलेशन है, और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में भी उसकी वैल्यू जो है वो बनी रहती है ना। और गोल्ड और इक्विटी का मतलब कम कोरिलेशन है, और इस वजह से अगर आपका पोर्टफोलियो वेरिड है उसमें अगर इक्विटी है, इक्विटी में आपको लॉस हो रहा है, आपने गोल्ड लिया है तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा, तो वो एक बैलेंस बनाए रखते हैं आपके पोर्टफोलियो में,
ठीक है। तो अगर प्राइसेस का आउटलुक देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस गिरे हैं, मतलब पिछले 3 महीने में 12% से ज़्यादा गिर चुके हैं, और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल में सबसे ज़्यादा हाई रहा था जून में। तो अभी फेडरल रिज़र्व जो है वो अपना रेट और बढ़ाएगा, हो सकता है कि 75 बेस पॉइंट्स और बढ़ा दे, है ना। तो जो US के इंटरेस्ट रेट्स हैं उसका वही अगर राइज होता है तो फिर डॉलर और स्ट्रेंथन होगा, है ना। तो फिर वही क्या करेंगे, अगर आपने पिछला एनालिसिस हमारा सुना है यूरो वर्सेस डॉलर का, तो फिर से क्या होगा कि बाकी इकोनॉमीज से निकाल के लोग कहाँ पे लगाएंगे पैसा, US में लगाएंगे, है ना, हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑफ होल्डिंग गोल्ड। ओके, इस साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो वही है, इक्विटी वगैरह में सही परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन गोल्ड ने अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है और पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिए हैं और वोलेटिलिटी जो है वो बहुत कम रही है। तो आप क्या कर सकते हो, तो मतलब हाँ, घर में किसी के शादी है या ऐसे भी अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो क्या कर सकते हो। तो प्राइसेस जो है यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक साल या हो सकता है और ज़्यादा कम ही रहें, और इसलिए इस टाइम पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वही स्टैगर्ड मैनर में, और आप मतलब या तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हो। और अगर कंजम्पशन नहीं करना चाह रहे हो तो उसको, मतलब वही है कि अगर आपको कोई इमीडिएट ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको पेपर फॉर्म में कर सकते हो, है ना। तो जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, और आप है ना उसमें गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट फिजिकली होल्डिंग इट, यानी आपके पास गोल्ड एकदम वैसे फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा लेकिन पेपर फॉर्म में रहेगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें एक फिक्स रेट होता है 2.5%, है ना, और वो आपको सेमी एनुअली क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड्स कहाँ से ले सकते हो, ऑफिस या फिर जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस से, प्राइवेट बैंक से, फॉरेन बैंक से, पोस्ट ऑफिस, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से। तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का वही है, फाइनेंशियल प्लानर्स का कहना है कि 5 से 10% जो है वो गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आए यंग शुडंट ड्रिंक द ओल्डर में। ओके, तो दिस इज अबाउट एल्कोहल, और यहाँ पे ये सब भी दिया हुआ है कि व्हाट इज़ अ ड्रिंक। तो अगर आपको जानना है तो जान सकते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली बस हेल्थ पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। तो यंग पीपल फेस हायर हेल्थ रिस्क, ये चीज़ अभी आई है स्टडी में, एक एनालिसिस पब्लिश हुआ था लैंसेट में जिसमें पता चला है कि जो 15 से 15 to 39 ईयर्स तक के लोग होते हैं उनको हायर हेल्थ रिस्क होती है अल्कोहल कंजम्पशन से एज़ कम्पेयर टू ओल्डर एडल्ट्स। ठीक है, और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है उसने ये चीज़ पहली बार बताई थी, और अभी मतलब वही है कि 15 to 39 में ज़्यादा मतलब कंजम्पशन की वजह से जो है ज़्यादा हार्म होता है, और जो उसके बाद में फिर थोड़े ओल्डर लोग होते हैं तो उनमें कोई भी ऐसा रिस्क नहीं होता है, यंगर यूथ में ही होता है हेल्थ रिस्क होता है। और ये भी पता चला है कि जो 60% अल्कोहल रिलेटेड अल्कोहल की वजह से इंजुरीज होती हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, सुसाइड्स, होमिसाइड्स, ये सब भी अल्कोहल रिलेटेड ही रहता है। और इंडिया का इन्होंने सर्वे करा था 2020 में जिसमें पता चला था कि 15 to 39 वाला जो एज ग्रुप है उसमें 1.85% फीमेल्स और 25.7% मेल्स जो हैं वो अनसेफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यानी सोचो इतने लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। ठीक है, सो आप लोग भी अभी सब लोग अभी पढ़ने वाली एज में हैं, तो मतलब आई बिलीव यू विल बी लेस देन 39, सो इसलिए इस आर्टिकल से थोड़ी सीख भी लेनी है और अच्छे बच्चों की तरह दूध पीना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये है कि जो जिनकी एज 40 से ज़्यादा होती है उनके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, है ना, और वो भी बिटवीन 1 and 2 इन्होंने ग्लासेस ऑफ रेड वाइन बोला है, 3.5 ounces। ठीक है, तो उसकी बस रेड वाइन के उनको थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है। ठीक है,
ओके अब यहाँ पे फसल बीमा के ऊपर आर्टिकल आया है, हुज़ इन हुज़ आउट एंड वाई। तो एक्चुअली मैं फसल बीमा योजना जब आई थी 2016 में आई थी, तो उस टाइम पे 27 स्टेट्स ने ऑप्ट किया था, लेकिन उसके बाद में 7 स्टेट्स जो है वो आउट हो गए थे। सो नाउ आंध्र प्रदेश, और हाँ 2020 में इसको रिवैम भी किया गया, तो उसके बाद भी कई सारे स्टेट्स बाहर हो गए थे। ओके तो आंध्र प्रदेश अभी रिज्वाइन कर रहे हैं इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को, और इन्होंने भी 1920 में ऑप्ट आउट किया था। सो अभी क्या खरीफ सीजन में ही ज्वाइन कर लेंगे। और कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था? देवा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड इन्होंने दो बार लिख दिया है, एंड तेलंगाना। ओके अनदर स्टेट वॉज गुजरात आई सपोज, हाँ गुजरात। ओके तो इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। 2016 में आई थी और इसने रिप्लेस किया था नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम NAIS एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को। और इसमें मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर दिया गया था कि अगर फसल खराब हो जाती है, उसका फेलियर हो जाता है, ताकि जो फार्मर्स की इनकम है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। ओके तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्टेट्स ने ऑप्ट आउट क्यों किया है। सो अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, इसको आप आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद में आपको बताना है व्हाट आर द चैलेंजेस विद द फसल बीमा योजना स्कीम योजना। ओके तो आप ये बता सकते हैं लाइक पॉइंट वाइज, नॉट स्टेट वाइज नेसेसरी। ओके तो अब आंध्र प्रदेश का यदि देखें तो उन्होंने कई सारे रीजंस बताए थे पहले उस टाइम पे ऑप्ट आउट करने के। पहले कहा था कि जो स्कीम है वो वॉलंटरी होनी चाहिए। एक्चुअली मैन द स्कीम वॉज कंपल्सरी फॉर द लोनी फार्मर्स, जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके लिए कंपल्सरी थी, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लिया उनके लिए ज़रूरी थी, तो वो वॉलंटरी होनी चाहिए। ओके उसके बाद में स्टेट्स जो हैं उनको एक ऑप्शन होना चाहिए ऑफ चूजिंग द रिस्क कवर्ड। ओके तो क्या रिस्क कवर करनी है वो स्टेट वाइज रीजन वाइज डिफर करता है, इसलिए उनके पास में ही ऑप्शन होना चाहिए। स्कीम जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यानी सभी फार्मर्स के लिए एप्लीकेबल हो। कट ऑफ डेट जो है एनरोलमेंट की वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, देर शुड नॉट बी अ लाइक फिक्स डेट कि इसी टाइम तक आप एनरोल कर सकते हो। और आंध्र प्रदेश ने कहा कि उसको खुद का अपना डेटाबेस जो है ई क्रॉप, ओके उसका डेटाबेस याद रखना, वो यूज़ करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये इनकी जो एप्लीकेशन है इट इज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओनली टू कलेक्ट दी इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इनका ये डेटाबेस है ई क्रॉप, तो उसको भी इनको यूज़ करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो अब है ना क्या हुआ है कि इनके ज़्यादातर इशूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, सो दैट इज़ Why they will be rejoining। बिहार जो था अब वो फर्स्ट स्टेट था जिसने ऑप्ट आउट किया था 18-19 में, और इसके तीन रीजंस थे। पहला तो यही था कि यूनिवर्सल कवरेज चाहिए था, दूसरा ये चाहते थे कि फार्मर्स के लिए जीरो प्रीमियम हो। वैसे क्या था कि मतलब अभी आप देखोगे खरीफ के लिए पर्टिकुलर प्रीमियम देना होता था, रबी के लिए पर्टिकुलर प्रीमियम देना था, और बाकी का जो प्रीमियम रहता था वो जो स्टेट और सेंटर है वो आपस में डिवाइड कर लेते थे। ओके उनको इक्वली फिर बाकी का एज अ सब्सिडी वो प्रीमियम पे करते थे। तो अब इनका कहना था कि नहीं, फार्मर्स को जो है वो जीरो प्रीमियम होना चाहिए और पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट पे करे। ओके अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि एक फार्मर जो है उसको 2% प्रीमियम देना होता है ऑफ द सम इंश्योर्ड और द एक्चुअरियल रेट। ठीक है, एक्चुअरियल रेट क्या होता है? दिस इज अ टर्म, हाँ इंपॉर्टेंट टर्म, तो ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज एक्चुअरियल रेट। और जो भी मतलब इनमें से कम हो फॉर ऑल खरीफ फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, 1.5% आप इसमें सम इंश्योर्ड था राबी फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए, और 5% जो था वो हॉर्टिकल्चरल के लिए था। ओके 2% फॉर खरीफ, 1.5% फॉर रबी एंड 5% फॉर हॉर्टिकल्चरल। तो अब वही था कि सेंटर ऐसा जीरो प्रीमियम तो नहीं ही दे सकता था। फिर वही है कि कई बार मतलब बिल्कुल पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद में फिर आप क्लेम करने आ जाते हो, है ना, तो फिर उस केस में भी एक कहीं ना कहीं लथार्जी को प्रमोट करता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जीरो प्रीमियम नहीं हो सकता है। लेकिन अब जैसे कुछ स्टेट्स हैं हरियाणा, गोवा और पुडुचेरी, ठीक है आप ये भी इन स्टेट्स का भी याद रखना, हरियाणा, गोवा और पुडुचेरी, तो ये लोग क्या ये स्टेट्स क्या कर रहे हैं कि जो फार्मर का शेयर है ना वो भी वो खुद से ही पे करें, अपने बजट से पे करें, यानी एक तरीके से फार्मर के लिए जीरो प्रीमियम वाली ही बात है। तीसरा रीजन इन्होंने ये कहा था कि बिहार के लिए जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि मतलब एक्चुअली मैं इंश्योरेंस स्कीम्स इंश्योरेंस के लिए जो आते हैं बिडर्स वगैरह उन पे भी डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि वो क्या रेट दे रहे हैं, तो बिहार में इन्होंने कहा था कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, झारखंड ने स्कीम उसी टाइम पर स्टॉप कर दी जैसे इसको रिवैम्प किया गया था,
और एक्चुअली मैं उसमें ये था कि अगर स्टेट का जो शेयर है प्रीमियम सब्सिडी जितना स्टेट को पे करना है उसको यदि आप प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन में अगर पे नहीं करते हो ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी अगले सीजन में उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके तो मतलब ये था कि झारखंड का शायद पहले से काफ़ी ज़्यादा 18-19 से काफ़ी ड्यू हो गया था तो इसलिए उन्होंने खुद ही ऑप्ट आउट कर दिया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल रीज़न भी थे। ओके वेस्ट बंगाल में भी सेम थिंग कि मतलब इट वाज पॉलिटिकल। ओके सो दीज आर लाइक एलिगेशंस, यू मतलब आप इस चीज़ को भले थोड़ा इग्नोर कर सकते हो ओके, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली ना कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीज़न, इट माइट बी पॉलिटिकल, इट माइट बी सम अदर रीज़न। ओके सो हमको लेकिन फैक्चुअल थोड़ा रखना है, तो क्या मेन रीजंस है वो आप चैलेंजेस जो हैं वो आप उस तरीके से लिखोगे। ओके और हाँ मतलब इनका ये भी था कि जैसे इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्यों है, लाइक प्रधानमंत्री की जगह वो दूसरा नाम यूज़ करना चाह रहे थे। सो ऐसे तो कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहता ही है। सो ठीक है, और गुजरात ने इसको काफ़ी टाइम तक इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन फिर वही है कि जब उसको रिवैम्प किया गया तो टेंडर्स जैसे गुजरात ने इनवाइट किए थे 3 साल के लिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रीमियम बोला इसलिए इसने स्टेट ने ऑप्ट आउट कर दिया था। और तेलंगाना का भी देखें, अगर तेलंगाना का भी जो शेयर था वो काफ़ी टाइम से ओवर ड्यू था, तो ये स्टेट के फाइनेंसेस वाली भी बात थी। ओके मैंने आपको इनडायरेक्टली कई जगहों पे आंसर बताया है, तो स्टेट के फाइनेंसेस भी मतलब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो जिसकी वजह से वो ऑप्ट आउट करते हैं। ओके तो अब इसको स्कीम को स्ट्रक्चर कैसे किया गया था और क्या चेंज हुआ है, तो मैंने बताया 2016 में हुई थी और इसमें सारे फार्मर्स जो कि शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स हैं वो इंक्लूडेड थे, जो कि नोटिफाइड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं इन दी नोटिफाइड एरियाज। ठीक है, और पहले वो केवल लोनी फार्मर्स के लिए थी, लेकिन इसको चेंज कर दिया तो इसको ऑप्शनल बना दिया गया था सारे फार्मर्स के लिए। इनिशियली जो एक्चुअरियल प्रीमियम रेट था और रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, यानी कि जो फार्मर्स को देना था रेट, तो उसका जो ये डिफरेंस है उसको बोलते हैं रेट ऑफ नॉर्मल प्रीमियम सब्सिडी। ओके मतलब एक्चुअली मैं ब्रीफली बता दूं कि अगर लॉस हो जाए तो आपका मतलब टोटल उसमें कितना आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो उसको इक्वली शेयर करना था सेंटर और स्टेट्स को, लेकिन स्टेट्स और यूटीज के पास में एक ये था कि वो चाहें तो वो और एडिशनल सब्सिडी दे सकते हैं, जैसे हमने बताया कुछ स्टेट्स ने किया भी था। ओके और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90% सब्सिडी दे रही थी, बाकियों में तो फिर ये था ना कि इक्वली डिवाइडेड था। तो फरवरी 2020 में एक और ये चेंज किया कि जो प्रीमियम सब्सिडी थी उसको गवर्नमेंट ने कर दिया, सेंटर ने कर दिया कि वो मैक्सिमम 30% देंगे अनइरिगेटेड एरियाज में और 25% फॉर इरिगेटेड एरियाज। ठीक है, पहले कोई भी अपर लिमिट नहीं थी लेकिन फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक है, और इसमें फूड क्रॉप्स कवर्ड है इस स्कीम में, सीरियल्स मिलेट्स और पल्सेस और एनुअल कमर्शियल और एनुअल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी इसमें कवर्ड है। तो और पूरा कवरेज यदि देखा जाए तो 2021-22 में ये फैक्ट आप लिख सकते हैं 7.65 करोड़ जो फार्मर्स थे उनको इंश्योर किया गया था अंडर दिस। ओके लास्ट इज व्हाट आर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर हाउस, हाउ आर दे लिस्टेड। ओके तो अभी जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं उसको ऑपोजिशन ने गैग ऑर्डर कहा है, और उस पर स्पीकर ने रिप्लाई किया है या क्लैरिफाई किया है कि कोई भी वर्ड्स को बैन नहीं किया गया है। तो कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं देखेंगे। तो आर्टिकल 105 का सेकंड क्लॉज जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि कोई भी एमपी जो है वो कुछ भी अगर बोलता है पार्लियामेंट में तो वो उन सब के लिए जिम्मेदार नहीं है कि वो फिर किसी कोर्ट वगैरह में जाए। ठीक है, लेकिन एमपीज को ये भी फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी वहाँ पे कह ले। ठीक है, तो इट इज़ सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन ऑफ द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट, गुड सेंस और कंट्रोल। तो आपको कोर्ट तो वहाँ नहीं भेज देंगे, लेकिन फिर भी रूल्स ऑफ पार्लियामेंट के डिसिप्लिन में, गुड सेंस में, और जो स्पीकर कंट्रोल करते हैं प्रोसीडिंग्स उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ें बोलनी होती हैं। ठीक है, तो इन सब चेक से क्या होता है, वही कि वो डिफेमेटरी वर्ड्स या इनडिसेंट या अनडिग्निफाइड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल जो है वो है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का लोकसभा में, रूल नंबर 380। प्लीज रिमेंबर दिस, नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट रूल 380। एक्सपंक्शन, एक्सपंक्शन मतलब किसी चीज को डिलीट कर देना, क्रॉस कर देना। ओके
इसमें क्या है, इसमें स्पीकर के पास पावर है, अगर उनको लगता है कि जो वर्ड्स डिबेट में यूज किए जा रहे हैं वो डिफेमेटरी अनपार्लियामेंट्री है अनडिग्निफाइड है, तो फिर वो अपना डिस्क्रिशन यूज करके ऐसे वर्ड्स को प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस से हटा सकते हैं, एक्सपंज कर सकते हैं, ठीक है। और 381 जो है रूल, वो बोलता है कि जो मतलब जो भी पोर्शन पूरा एक्सपंज किया गया उसको एस्टरिस्क से मार्क कर दिया जाए, यानी स्टार मार्क कर दिया जाए, और उसमें एक फुटनोट भी होना चाहिए कि एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, ठीक है। तो मेनली रूल नंबर 380 याद रखना, आर्टिकल 105 याद रखना, सेकंड क्लॉज, ओके। तो इसके लिए एक रेफरेंस बुक भी है, काफ़ी बल्की बुक है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस, जिसमें सारे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जो कि रूड या ऑफेंसिव कंसिडर किए जाते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर्स भी जो हैं वो इसी को मानती हैं। तो उसको पहले 1999 में कंपाइल किया गया था और उसको अपडेट किया था 2009 में। तो लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो ये श्रीनिवासन थे लोकसभा सेक्रेटेरिएट के पहले डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये प्रोसीजर बताया कि कैसे प्रिपेयर होता है। तो सपोज अगर कोई मेंबर है ना ऐसा वर्ड यूज़ करता है जो अनपार्लियामेंट्री इंडिसेंट है ना, और अनडिग्निफाइड है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग सेक्शन का हेड है, हेड ऑफ द रिपोर्टिंग सेक्शन, वो चीज भेजता है स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और साइटिंग द रिलेवेंट जो मतलब रूल्स है, तो वो रूल्स बता के बोलता है कि देखो इस तरीके की लैंग्वेज यूज करी है। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग सेक्शन के हेड का काम होता है चुगली करना, ओके। उसके बाद में और वो रिकमेंडेशन भी देता है कि उसको एक्सपंज किया जाए, सो ओके, ये नहीं कहना चाहिए कि वो चुगली करना, बट बेसिकली दिस इज हाउ दे रिपोर्ट। उसके बाद में स्पीकर के पास में डिस्क्रिशन होता है, हमने बता दिया आर्टिकल रूल 380 में कि उसको एक्सपंज किया जाए, फिर वो जब एक बार कर देते तो वापस वो रिपोर्टिंग सेक्शन में आता है और वो उस वर्ड को या उस फ्रेज को जो है हटा देते हैं और उसमें मेंशन कर देते हैं एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर, ओके। और सेशन के एंड में क्या होता है, ये जो पूरा कंपाइलेशन होता है वर्ड्स का जो कि हटाए जाने हैं, वो स्पीकर ऑफिस, संसद टीवी और एडिटोरियल सर्विस में भेजा जाता है, और एडिटोरियल सर्विस क्या करती है, वो एक लिस्ट प्रिपेयर करती है इन एक्सप्रेशंस की, और उसको फिर नए एडिशन की तरह रिलीज करते हैं, ओके। तो एक्सपंजिंग के लिए है ना, मेन जो चीज़ होती है वो कंटेक्स्ट होता है, द कंटेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस, कि किस कंटेक्स्ट में वो चीज़ यूज़ की गई है। सो मतलब आप बोलोगे कि लिटरली तो मतलब ऐसे कोई वर्ड हो सकता है कि इतना ज़्यादा वो इनडिसेंट ना हो, लेकिन अगर कंटेक्स्ट गलत है तो इट कैन बी अनपार्लियामेंट्री, ओके। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम टुडे, आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।